66 करोड़ की लागत की महत्वाकांक्षी पेयजल योजना बनकर तैयार। बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर ने अधिकारियों के साथ इस पेयजल योजना के प्रथम चरण की टेस्टिंग की और बटन दबाकर बैरी के लिए पानी की लिफ्टिंग करवाई। जल्द मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के कर कमलों से होगा इस स्कीम का उद्घाटन। इस योजना से जिले के 180 गांवों की 1,00,000 जनता लाभान्वित होगी। योजना से 41 पेयजल स्कीमों के लिए पानी की आपूर्ति की जाएगी। इनमें सदर हल्के की 29, घुमारवीं की 7 और नैना देवी हल्के की 5 स्कीमें शुमार है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए 39 नए पेयजल भंडारण टैंकों का निर्माण किया गया है। योजना के मुख्य टैंक में पानी की क्षमता 56,00,000 लीटर है। इससे रोजाना फिल्टर होकर 67,00,000 लीटर पानी निकलेगा, जिसकी सप्लाई जिला भर में होगी। यही नहीं, सुंगल के पास 6,40,000 लीटर पानी की क्षमता के टैंक का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक पहले चरण में बैरी, सलूनी, खंगड़ और बंगड़ इत्यादि इलाकों के लिए पानी की आपूर्ति शुरू की गई है, जबकि अगले चरण के सफल ट्रायल के बाद चिन्हित किए गए इलाकों के लिए पानी की आपूर्ति की जाएगी। के लोग आज जो हमारे बहुत ही हमारा एक सपना था, बिलासपुर के लोगों की उम्मीद थी, कोल डैम जो 66 करोड़ की लागत से पेयजल योजना है, उसका जो फर्स्ट स्टेज है, उस फर्स्ट स्टेज की टेस्टिंग हुई और वो सफल टेस्टिंग हुई है। इसके लिए मैं बिलासपुर के लोगों को और विभाग के लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और सेकंड स्टेज का भी टेस्टिंग हुई है, वो पानी भी आज ब्रांच तक पहुंच गया है। इसके लिए मैं विभाग के आज एसपी साहब यहां हैं, एक्शन साहब यहां हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। एसडीओ साहब हैं और हमारे पार्टी के हमारे लोग यहाँ पर आज आए हैं। आज हम सभी लोग इस सारी स्कीम को देखने के लिए भी, और मैं तो बारंबार आया हूँ, विभाग के लोग तो सैकड़ों बार यहाँ आए हैं, लेकिन इन 5 महीनों में हमने बारंबार आके जो हम सभी लोगों से कहते थे कि हमारी प्राथमिकता पीने का पानी, और आईपीएच विभाग में इस वर्ष हम पीने का पानी देंगे। इस महत्वाकांक्षी पेयजल योजना को सफलता के लिए मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार, जयराम ठाकुर जी का, महेंद्र सिंह जी का और यहाँ का जितना भी विभाग है, आपको बहुत बहुत बधाई देते। तो ये 5 महीनों में जो लोगों को, कई लोगों को लगता था कि ये चलेगी नहीं चलेगी, ये चुनावी वादा है, ये क्या है, तो आप इस टैंक को भी दिखा सकते हैं, जरा इस टैंक को भी दिखाइए। ये सारा जो जितना ये टैंक है, ये 45,00,000 लीटर पानी इसका कोल डैम से आ रहा है और इसमें एकत्र होगा। ये नीचे सामने सेगमेंट हमारे टैंक बने हैं और साथ में फिल्ट्रेशन गैलरी है। तो ये सारा इतनी जो मेहनत हुई है, इस सारी मेहनत के लिए मैं विभाग का और यह जिस तरह से आदरणीय नड्डा जी ने भी स्कीम को, जब अपना वो यहाँ पर मंत्री थे तो उन्होंने इस स्कीम को चलवाया था, पैसा सैंक्शन करवाया था, लेकिन पिछले 5 सालों में यह 5 कदम नहीं चला और इन 5 महीनों में यह लोगों को समर्पित भी होगी और आज टेस्टिंग भी हुई है। ये इस चीज़ को दर्शाती है कि कितनी संवेदनशील सरकार।